हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन के कीबोर्ड पे अपना फोटो लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कीबोर्ड पे हम अपना फोटो कैसे अटैच कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोन में जो कीबोर्ड होता है उस पे हम अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलिए मैं आपको अपना कीबोर्ड दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा अभी कीबोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है वो सिंपली नॉर्मल दिख रहा है, जिस तरह से हमारे फोन में पहले से रहता है, पीछे वाइट और बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। अब इसमें आपको फोटो लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से बैक आइए और अब आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है सबसे ऊपर ही, उस पर क्लिक कर लीजिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये गूगल के तरफ से एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हम इसे ओपन करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए और उसके बाद सेट इनपुट मेथड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको इंग्लिश इंडिक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, देन सेट परमिशन पे क्लिक करना है, अलाउ करेंगे, आई एक्सेप्ट, देन राइट तरफ स्वाइप करेंगे, तीर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे नीचे क्लिक करना है। यहाँ पे अब हमारा सेटअप हो गया है कंप्लीट। इधर आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर ही आपको मिलता है थीम का ऑप्शन, देख सकते हैं, थीम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माई इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सारे इमेजेस जो भी होंगे फोन में वो यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी फोटो लगाना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप दोनों फिंगर से इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से हमारा जो फोटो है वो आ जाता है, डन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे हमारा जो फोटो है वो सक्सेसफुली लग चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से बैक आएंगे, इसे काट देते हैं और अब हम जाके कहीं भी टाइपिंग करके देखते हैं। देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइपिंग पे के लिए आया तो यहाँ पे हमारा जो फोटो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं इस कीबोर्ड में, बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। तो दोनों फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है और इस तरह से हमारा फोटो भी यहाँ पे लग चुका है। तो इसी तरह से आप अपने कीबोर्ड में फोटो लगा सकते हैं।